नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद मुजफ्फरनगर की कचहरी प्रांगण स्थित जिला पंचायत सभागार में आज जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे एन जनपद के समस्त थर्ड जेंडरों के साथ उनकी मूलभूत समुदाय और समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी से समस्याएं सुनी। थर्ड जेंडरों ने बताया कि हमें शिक्षा, रहने के लिए मकान, काम करने के लिए व्यापार और सुरक्षा की जरूरत है, जिससे हम अपने जीवन को मजबूत बनाकर देश की आर्थिक व्यवस्था में विकास के लिए अपना सहयोग दे सकें। कई थर्ड जेंडरों ने पढ़ने की इच्छा जताई, जिसका जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी से मिलकर थर्ड जेंडर बड़े खुश नजर आए और कहा कि पहली बार किसी अधिकारी ने हम लोगों के बीच बैठकर बातचीत की है और हमारी समस्याओं को जाना है और उन्हें निवारण करने का 100% आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जैन सभी थर्ड जेंडरों के साथ सेल्फी खिंचवाई और हाथ भी मिलाया। वहीं थर्ड जेंडरों ने जिलाधिकारी को फूल देकर सम्मानित किया और स्वागत किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, डीआईजी ओएस ब्रजेंद्र सिंह, समाज कल्याण अधिकारी अर्चना, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्फेकिन सहित दर्जनों थर्ड जेंडर मौजूद रहे। जी, आज एक कार्यक्रम किया गया है आप लोगों के लिए, जिलाधिकारी द्वारा क्या है थोड़ा? ये हम लोगों के लिए, जितने भी हम संस्था में हिजड़े जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि उनकी समस्याएं क्या क्या थी, कि भाई किसी के पास घर का मकान नहीं है, किसी को पेंशन की ज़रूरत है, किसी को नौकरी में उन्हें काम नहीं मिल रहा है जैसे, और वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई पढ़ने लिखने में असमर्थ है, उन्हें पढ़ाई के लिए सुविधाएं दी जाए, और कोई डांस सीखना चाहता है, कोई पार्लर का काम सीखना चाहता है। उस बारे में डीएम मैडम ने हमें सबको बुलाया था और हमारी सबकी समस्याएँ सुनी और उनके लिए वो आगे अब देखते हैं क्या करती हैं। मतलब आपकी जो समस्याएं सुनी है उनका हल होगा, उनका सबका समाधान करेंगी मैडम, इसीलिए हमें बुलाया गया था आज। मिशन शक्ति के तहत हम लोग महिलाओं को अप्रोच कर रहे हैं ताकि हर कैटेगरी का महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो हम लोगों को तरीका सॉल्यूशंस निकालना है उसमें कोशिश कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुआ है ये भी इसी मिशन शक्ति के तहत ही हुआ है। तो मैडम किस तरह की समस्या है आपके? इनका बेसिक समस्या है, एक तो शिक्षा को करके हैं, सुरक्षा को लेकर के समस्या है, स्वास्थ्य रिलेटेड भी समस्याएं हैं, और दूसरा इनका ये है कि आगे जा करके, ये नहीं कि आज कोई उद्योग कर रहे हैं कि कल के लिए, इनका भविष्य के लिए भी ये सभी लोगों ने पॉइंट आउट किया ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए लाइफ का भी इसमें, तो उसमें हम लोग काफ़ी काम करना है। वो हम लोगों ने पॉइंट्स नोट कर लिया है कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू और जो भी सरकारी स्कीम्स हमारा है इनके लिए पूरा थ्रू NGOs के माध्यम से या सीधा भी अप्रोच करके हम लोग करेंगे।